अगस्त में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले विश्व हिंदू परिषद और राम भक्तों ने पौड़ी जनपद के फलसवाड़ी स्थित सीता माता के भू समाधि स्थल सीता माता मंदिर और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर से पूजा अर्चना के बाद पवित्र मिट्टी को लिया है। गौरतलब है कि फलसवाड़ी में ही माता सीता धरती में समाई थी, जबकि देवल में माता सीता को विदा करने के बाद लक्ष्मण ने विश्राम किया था। दोनों पौराणिक मंदिरों से ली गई मिट्टी को विहिप कार्यकर्ता अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भेजेंगे। सारे विश्व में और पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद का एक आह्वान है कि अपने तीर्थ स्थानों से माटी जल जो भी है वो श्रद्धा सुमन के रूप में भगवान अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए पहुँचाई जाए। यहाँ पे सीता माँ का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे सीता माँ का धरती में समाई थी और वहाँ पे भगवान राम का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। तो हमारा ये है कि माँ सीता माँ की माटी भी हम भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ पे पहुँचाए, तो अयोध्या में पहुँचाए और माता भगवान जहाँ भगवान राम वहाँ माता सीता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन के दौरान जेल की यातना तक झेल चुके लोगों में मंदिर निर्माण को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि कोरोना काल की मजबूरी के चलते अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर पर ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिस कारण थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि लंबे समय बाद मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।